नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया में कोरोना से अब तक 28,30,833 संक्रमित हैं, 1,97,243 दुनिया को छोड़ चुके हैं, वही 7,98,605 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। पर यह वायरस है कि धीमा पड़ने की बजाय अपनी गति बढ़ाता ही जा रहा है। दुनिया के सर्वाधिक वायरस संक्रमित 10 देशों में अमेरिका शीर्ष पर है, जहां 9,25,038 मरीज संक्रमित हैं। चीन 8वें नंबर पर है तो रूस 10वीं पायदान पर पहुंच गया है। मगर इस दौड़ में जिसने सबसे तेजी से छलांग लगाई है वह मुल्क है तुर्की। इस मुल्क में अभी तक सबसे तेजी से वायरस ने कहर बरपाया है, या यूं कहे कि कोरोना यहां पर अपनी पूरी लय में है और इस देश में जमकर तबाही मचा रहा है। तुर्की अचानक से संक्रमण प्रभावित देशों में 7वें नंबर पर आ गया है। पिछले एक हफ्ते में यहां 1,04,912 मुल्ले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2,600 टोपीबाजों ने हुरों के लिए प्रस्थान किया है। तुर्की में हर रोज औसतन 3,400 केस सामने आ रहे हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 220 प्रतिदिन औसत के हिसाब से बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पहला मामला 11 मार्च को सामने आया था। प्रशासन का आरोप है कि तुर्की में कोरोना वायरस के फैलने की वजह यहां पर आए अवैध पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने पूरे तुर्की को मुसीबत में डाल दिया है। कोरोना वायरस पर स्टडी कर रहे विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस देश में 4,00,000 से ज्यादा मुल्ले ऊपर उठ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि तुर्की द्वारा 11 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू पूरी तरह असफल साबित हुआ है। यहाँ के मुल्ला अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मस्जिदों में बदस्तूर अजाने फूकी जा रही है और चोरी छिपे पिछवाड़े भी ऊपर नीचे किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और तुर्की के हेल्थ मिनिस्टर फाटिन कोका के आग्रह का यहाँ की मजहबी तंजीमों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर तुर्की के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द वो पाकिस्तानी हैं जो अवैध रूप से तुर्की में घुसे हैं। इन पाकिस्तानियों में से ज्यादातर कोरोना वायरस से संक्रमित है। तुर्की पुलिस छापे मारकर इनकी धरपकड़ कर रही है, साथ ही तुर्की कानून की कड़ी धाराएं लगाकर इन्हें जेलों में डाल रही है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए तुर्की कई बार भारत के सामने गिड़गिड़ा चुका है, मगर भारत ने अब तक उसको कोई मदद नहीं भेजी है। परसों ही तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फाटिन कोका ने भारत से फिर से मदद की गुहार लगाई है। कोका ने भारत से अनुभव साझा करने का अनुरोध किया है। दरअसल 1,35,00,000 की आबादी होने के बावजूद मोदी सरकार ने इस महामारी को जिस तरह नियंत्रण में रखा है, उससे पूरी दुनिया में पीएम मोदी की प्रशंसा हो रही है। तुर्की यही अनुभव भारत से लेने की गुजारिश कर रहा है, ताकि उनके देश में बेलगाम हो चुके कोरोना वायरस पर किसी तरह अंकुश लगाया जा सके। चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की को भी पाकिस्तानी आंकड़ों पर यकीन नहीं है। कोई भी देश पाकिस्तान द्वारा जारी किए जा रहे तथ्यों को प्रमाणिक नहीं मान रहा है। स्वयं पाक के मित्र देश भी उसके अनुभवों की मांग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में रंग बदलने वाली कौम का गिरगिट तुर्की अब भारत में ही अपनी सांसें तलाश कर रहा है। पर यह मामला तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कुछ समय पहले तक दुनिया भर की आर्थिक शक्तियों में तुर्की को वही स्थान हासिल था जो भारत और चीन को हासिल है, यानी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में तुर्की की ग्रोथ दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी थी। मगर कोरोना वायरस ने इसको घुटनों पर ला दिया है। तुर्की अनाज के निर्यातक देशों में शामिल है, मगर अब यहां पर भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। तुर्की कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। स्पेन के बैंक का $83 अरब, फ्रांस का $38 अरब 40 करोड़, इटली के बैंकों का $17 अरब, जबकि जापान के बैंकों का $14 अरब तुर्की में लगा हुआ है। इन देशों में फैले कोरोना ने यहाँ के हालात काफी जटिल बना दिए हैं, जिसके बाद ये देश तुर्की में लगा पैसा वापस निकाल रहे हैं। खास बात यह है कि ब्रिटेन ने तुर्की को $19 अरब का कर्ज दिया है। अमेरिका के भी $18 अरब तुर्की में लगे हुए हैं, यानी अब इस मुल्ला मुल्क के मटिया मेट होने का अंदेशा बढ़ गया है। तुर्की में इस वक्त महंगाई दर 15% पर पहुंच गई है, जिसके आने वाले वक्त में 22% पर जाने का अनुमान है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार $130 अरब का है और विदेशी कर्ज $180 अरब है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना वायरस से जंग में तुर्की लगभग बर्बाद हो जाएगा। उसकी हालत पाकिस्तान से भी गई गुजरी हो सकती है। संभवतः तुर्की की भारत की तरफ सरकने की एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत से जो दुश्मनी मोल ली थी वह भविष्य में उसे बेहद भारी पड़ सकती है।
यूपी आईएमएफ ने 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7% ग्रोथ रेट पर रहने का अनुमान जताया है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त तुर्की ने पाकिस्तान को हाशिए पर किया हुआ है और भारत को ज्यादा अहमियत दे रहा है। G20 देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी तुर्की ने भारत की जमकर प्रशंसा की थी। मगर भारत को ध्यान रखना होगा कि यह एक मुल्ला मुल्क है और इन पर ज्यादा विश्वास घाटे का सौदा हो सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।